आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। धूमधाम से मनाया गया नागपंचमी पर्व। गोरखपुर में शुरू होगा ई टूरिस्ट बसों का संचलन। अलग अलग कंपनियों और खुले में बिक रहे तेलों की होगी जांच। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में नागपंचमी के अवसर पर प्रवेश शुल्क हुआ 50%। नागपंचमी के अवसर पर बसियाडीह माता के मंदिर में शुरू हुआ पूजन अर्चन। गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता हुई संपन्न। सीएम योगी बुधवार को करीब 61 करोड़ की लागत के 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का करेंगे लोकार्पण। बेटी ने लगाई जान माल सुरक्षा की गुहार। मुख्यमंत्री के फंड से जाएंगे धार्मिक स्थानों पर। सिद्धार्थनगर जनपद में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद करीबी रिश्तेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। नाउ ऑल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीता गोरखपुर। नागपंचमी के पर्व पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना से भोले शंकर प्रसन्न होते हैं, साथ ही कल्प सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी के दिन महिलाएं अपने घरों की साफ सफाई कर घर के मुख्य द्वार पर गोबर से नाग की आकृति बनाती हैं। उसके बाद भक्ति भाव के साथ दूध लावा चढ़ाकर पूजन अर्चन करती हैं, साथ ही मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लावा दूध ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनका पूजा होता है, चना चढ़ता है, फिर हमारे घर चना छौक लगता है। वैसे तो हम लोग चना खाते नहीं हैं पूरे महीने में, सावन के जब नागपंचमी आता है उस दिन चढ़ता है, उसके बाद ही हम लोग चना खाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा पर्व है, इसमें हम लोग अच्छे पकवान बनाते हैं और शिव को लावा दूध चढ़ा के उनको प्रसन्न करते हैं। टूरिस्ट सिटी के रूप में विकसित हुए गोरखपुर में सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों को और सहूलियत मिलने जा रही है। गोरखपुर नगर निगम इसके लिए 2,92,00,000 रुपए की लागत वाली 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन करने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इन ई टूरिस्ट बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी क्रम में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर भ्रमण पर आने वाले इन टूरिस्ट बसों की सवारी कर गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर जैसे जगहों की सैर करवाई जाएगी। उनको यहाँ के लिए मुहैया कराया है, जिसके तहत प्रथम चरण में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक बस आ चुकी हैं, जिसका कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और जनपद के शहर के हर कोने से इस बात की डिमांड है कि वहाँ तक भी उन वाहनों को चलाया जाए, इलेक्ट्रिक बसों को। और ये जो इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं, अब इनसे जो आय हो रही है रेवेन्यू, गोरखपुर शहर में पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है। अब तक हम लोग 1 करोड़, कुछ ही महीने में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की आय जनरेट कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जनमानस, एक कॉमन मैन की ज़रूरतों को समझते हुए एक 10 इलेक्ट्रिक बसों की और सुविधा प्रदान की है जो यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके अलावा 2 12 मीटर वाली टूरिस्ट बसें भी हैं, क्योंकि गोरखपुर विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर बहुत ही तेज़ी से उभर के सामने आया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटन के
दृष्टि स्कोर थे, तो उनको यातायात में कहीं दिक्कत ना हो। हम लोग एयरपोर्ट से लेकर जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ के लिए इस बस को हम लोग एसी इलेक्ट्रिक बस जो कि टूरिस्ट बस है उसको चलवा रहे हैं। एक टूरिज्म का रोड मैप तैयार किया गया है, उस पे वो बस चलेगी आगे। सहायक खाद्य आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है कि पूरे प्रदेश में बिक रहे खाद्य तेल, चाहे वो ब्रांडेड हो या खुले में बिक रहे हों, उनकी जाँच के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसका अनुपालन करते हुए खाद्य तेलों के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज़िले के 60 टीमों को लगाया गया है। एक टीम में 2-2 खाद्य सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। प्रयास किया जाएगा कि कोई भी नमूना रिपीट ना हो। आम जनमानस को मिलने वाले पेय पदार्थ जैसे सरसों के तेल, पोमोलियन ऑयल की जांच की जाएगी, जिसमें बहुत ही मल्टी ब्रांड के तेल हैं, जो प्रचलित ब्रांड हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा। ख़ास तौर से ज़िले में जो लोकल उत्पाद किए जा रहे हैं उनको फोकस करना है, वो किस तरीके से मार्केट में बेचे जा रहे हैं उन पदार्थों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेंगे। तेल के विभिन्न तेल के ब्रांड बेचे जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ के उपयोग किया जा रहा है, उन पर एक अभियान चलाया जाएगा जो 1 से 14 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमें बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स हैं जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको भी कवर करना है, प्रचलित ब्रांड में बड़े ब्रांड हैं उनको भी कवर करना है। ज़्यादा फोकस इसमें यह है कि हम लोग के जो शहर में हमारे ज़िले में जो लोकल रूप से उत्पाद किए जा रहे हैं उनको फोकस करना है कि ये किस तरह का ट्रेड मार्केट में बेच रहे हैं। इसी के उद्देश्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी 1 से 14 तारीख तक नमूना लेंगे, जिसमें सरसों का तेल भी है और पामोलिन ऑयल भी है, विभिन्न जो ब्रांड हमारे जनपद में बिक रहे हैं सबका तेहता नहीं है। कितनी टीमें सर लगा रही है? सर इसमें हमारे 7 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 2-2 FSM होंगे, और प्रयास ये किया जाए कि कोई भी नमूना रिपीट ना हो, सभी नमूने बिल्कुल फ्रेश हो और उसमें किसी प्रकार का रिपीटेशन नहीं हो। जैसे कोई एक टीम ने कोई एक ब्रांड का नमूना लिया है तो अगली टीम उस ब्रांड को नहीं लेगी। देश भर में नागपंचमी का त्यौहार मंगलवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर योगी सरकार ने गोरखपुर वासियों को शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान में नाग देवता का आधी दरों पर दर्शन करने के लिए सौगात दी है। मंगलवार को प्राणी उद्यान में आने वाले पर्यटकों को 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 12.5 रुपये और 12 साल से अधिक उम्र के पर्यटकों के लिए सिर्फ 25 रुपये लागू किया गया है। इसी क्रम में प्राणी उद्यान के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की अनुमति मिल चुकी है, जिसमें मंगलवार को प्राणी उद्यान का प्रवेश शुल्क आधा कर लिया जाएगा। आज देखने को मिल रहा है, काफी दिन से हम लोग यहाँ पे जर्नी करते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो इस वक्त गोरखपुर की जो व्यवस्थाएं हैं और खासकर के चिड़ियाघर, तारा मंडल वगैरह, मतलब काफ़ी आकर्षित करती है लोगों को और बहुत ही खूबसूरत पहले से अपना गोरखपुर हो गया है। देखिए जैसे हम लोग अभी तारा मंडल गए थे, वहाँ पर रामगढ़ ताल देखा हमने, तारा मंडल की जो जितनी वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं काफ़ी एरिया में विकास हुआ है और बेहद खूबसूरत। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे अभी वहाँ से हटने के बाद सीधा यहाँ पे आए हुए हैं चिड़ियाघर, और यहाँ पर भी देखा जा रहा है तो मतलब प्राकृतिक माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत है और घूमने में काफ़ी आनंद हम लोग महसूस कर रहे हैं। नागपंचमी के अवसर पर बसियाडीह माता के मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है और ये पूजा रक्षाबंधन तक चलती है, जिसमें बसियाडीह माता को तरह तरह के पकवान बनाकर चढ़ाए जाते हैं। रेलवे लाइन के किनारे बसा ये मंदिर लगभग 300 वर्ष से भी पुराना है। यह नागपंचमी से ही सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। नागपंचमी में नाग देवता की पूजा होती है, अब विधिवत रूप से पूजा की जाती है, जिसमें दूध और लावा के प्रचलन चढ़ाने की और साथ में भगवान भोले की भी पूजा होती है। और ये माँ बसियाडी की डी है, ये समय का डी कहा जाता है इन्हें, और ये तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और रेलवे लाइन के पास में है। ये करीब
मान के चलिए 250-300 वर्ष पुरानी मंदिर। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी नगर निगम के करीब 61 करोड़ की लागत के 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नगर निगम प्रशासन ने डोर टू डोर कलेक्शन में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने के लिए वाहन मंगवाया है। इन गाड़ियों को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी क्रम में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि साफ सफाई स्वच्छता के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। सफाई के लिए 25 गाड़ियां 2 जेटिंग मशीन आ गई हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। आने वाले समय में सफाई व्यवस्था में गोरखपुर एक नंबर होगा। कलेक्शन में घरों से कूड़ा उठाने के प्रकरण में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और हम लोग का ये मानना है कि अगर हमने हमारे पास 70 वार्ड हैं, अगर उन 70 वार्डों में प्रत्येक घर से हमने कूड़ा प्राइमरी सोर्स से ही कूड़ा को उठा लिया, उसको सेग्रीगेट कर दिया और उसको उसके बाद एमआरएफ सेंटर में भेज के उसका अन्य कामों में यूज किया, तो हमारी सारी समस्याएं खड़ी, जब घर के कूड़ा सड़क पे आएगा ही नहीं तो गंदगी फैलने का ना सवाल ही नहीं होगा। और अभी तक हमारे पास 25 गाड़ियां थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 25 गाड़ियां हमारे पास टाटा मैजिक गोल्ड आ चुकी हैं। उनमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हैं कि इसमें गीला कूड़ा आएगा, इसमें सूखा कूड़ा आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये और इसके अलावा 2 बड़ी वाली जेटिंग मशीन, सक्शन मशीन भी आ चुकी है। इन सभी जो हमारे वाहन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल 12 बजे पूजनी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के। भारत में नागपंचमी का पर्व सावन महीने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोरखपुर के गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में परंपरागत विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में गोरखपुर केसरी खिताब से भगत सिंह यादव, गोरखपुर कुमार खिताब से अनिल यादव और वीर अभिमन्यु खिताब से जनार्दन यादव को चेक और गदा देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के पहलवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों के अलावा कुश्ती प्रतियोगिता के संयोजक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह उपस्थित रहे। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांग जन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा और समर्थन हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे प्रेम विवाह से नाराज परिजन मेरे पति बबलू यादव को जान से मारने के लिए पहले भी हमला कर चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद उनके द्वारा तरह तरह का दबाव मुकदमा वापसी के लिए बनाया जा रहा है और खुली धमकी भी दी जा रही है। गोरखपुर गगहा थाना क्षेत्र निवासी अंकिता यादव ने मीडिया से कहा कि अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर हमें प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराने में हमारी मदद करें। उसके बाद 307 का मुकदमा इसमें दर्ज है। ये 4 लोग जो है कि जमानत पर छूटे हुए हैं, उसके बाद जो है कि ये मुकदमा सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। हमारे सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शनिवार को हमारे घर पर रात में ये लोग 7-8 लोग चढ़े थे मारने के लिए। किसी तरह से हमने जो है कि गांव वालों को फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद बचने के लिए जो है कि ये जब गांव वाले को देखे तो लोग भाग गए। उसके बाद जो है इनमें हमारी लंबे साथी है, इनके घर वाले जो है कि
हमारे ऊपर गोली चलाए थे, और उसके बाद जो इनका मामा हिस्ट्री टीचर है बांसगांव थाने का, क्या नाम है, दुर्गा प्रसाद यादव, हिस्ट्री टीचर हम लोग सर 2020 में लव मैरिज शादी किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे जी सर। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में सर हमारे पिताजी हैं, और जो है कि हमारे तीन और भाई हैं, दो लोग बाहर रहते हैं, एक जो है घर पर रहता है। उस समय हमारे घर पर जब ये लोग आए थे तो कोई नहीं था, हम दो लोग थे और हमारी 14 महीने की बिटिया है, ये हम तीन लोग थे। क्या चाहते हैं सर? चाहते यही हैं कि जो है SSP महोदय, DG साहब यहाँ या तो सभी लोगों से जो है कि गुहार लगाए हैं, कहीं से कोई जो है सुरक्षा हमको नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के लिए जो है कि हम लोग तीन दिन से इधर उधर घूम रहे हैं। गोरखपुर में सिख समुदाय लगातार लोगों की सहायता और अपने धार्मिकता के कारण जाने जाते हैं। वहीं गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारे में यहाँ के समिति द्वारा हर साल किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की एक परंपरा सी बनी है। वहीं ये लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में जाते हैं। जिस धार्मिक स्थल का इनको दर्शन करना होता है, वापस लौटने के बाद धार्मिक स्थल पर गए सारे लोग गुरुद्वारे में आकर आपस में मिलते हैं, खाना खाते हैं, साथ ही जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी वहां जाकर भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उनका आदर सत्कार भी यहां के लोग करते हैं। ये गोरखपुर में काफ़ी प्रचलित हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन्हें अपने निजी पैसों से, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी तनख्वाह होगी, उससे इन लोगों को किसी धार्मिक स्थल का दर्शन कराने का आश्वासन दिया है। और जल्द ही फिर से इस गुरुद्वारे की इस समिति द्वारा किसी धार्मिक स्थल पर जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शंकर से समय समय पर हर 2-4-5 महीने में या साल में एक बार या दो बार हम यहाँ की संगत को धार्मिक यात्राओं पर ले जाते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, हेमकुंड हो, बद्रीनाथ हो, अमृतसर हो, पटना साहब हो, हम धार्मिक जनजागरण के लिए एक यात्राएं हम लोग हमेशा लेके जाते हैं सारी संगत मिलकर। इस बार हम लोग एक यात्रा लेके पटना साहब, जो पिछले हफ्ते हम लोग लौट के आए, 3 दिन की यात्रा थी, 125 लोग संगत गोरखपुर के, जिसमें सभी धर्मों के लोग सब लोग गए, और 3 दिन इतना आनंद आया, उस यात्रा इतनी सुंदर रही कि इस यात्रा को करने के बाद हम लोग आए तो सारी संगत का ये था कि जितने लोग हम लोग गए एक दिन इकट्ठा होकर हम लोग एक साथ भक्ति और भोजन दोनों करें, तो उसका और परमात्मा का शुक्राना करें, शुक्रिया करें कि बहुत सुंदर यात्रा हम लोग को कराई है उन्होंने, तो वो यात्रा सुंदर होने के कारण आज हम लोगों ने शुक्राना समागम करके पूरे यात्रियों को और संगत को इकट्ठा किया है, और एक साथ यहाँ अभी गुरुद्वारे में हमने कीर्तन सत्संग अरदास कर गुरु का शुक्र मनाया है, और साथ साथ गुरु का लंगर भी नीचे प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये महज इसलिए कि परमात्मा हमको गुरु हमें हम सबको इसी तरह जोड़ी रखते हैं, लेकिन इसमें हमारे हिंदू परिवार, सिंधी परिवार, पंजाबी परिवार सारे, लेकिन यात्रा में लगता ही नहीं कि हम अलग घरों के, लगता है एक माँ बाप के हम लोग औलाद है, सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम प्रेम भी करते हैं आपस में, लड़ भी लेते हैं लेकिन एक रहते हैं वो सब। सिद्धार्थनगर जिले के शोरतगढ़ थाने का मामला सामने आया है, जहां महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद अपराध संख्या 229 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के परसहिया गांव में फुफ्फा द्वारा बेटी के साथ अवैध संबंध बनाने और उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़ित के लाख गुजारिश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता ने महिला आयोग में शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। मामले की पुष्टि शोहरतगढ़ CEO राणा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई, और ये बताया गया कि उसके फुफ्फा ने जमीन जायदाद देने के नाम पर उसे गलत तरीके से अवैध संबंध बनाया, जिसको लेकर महिला ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया है। कितना दिए? 1 लाख। आपने विरोध किया, मना किया? हाँ, हम विरोध किए कर लागे। अच्छा, आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित? हाँ, और करो काम आपके पापा महफूज ने कहा? हाँ, महफूज ने। आपके पति विकलांग है? हाँ। क्या नाम पड़ेगा उनका? अनाम। तो हम कुछ भी है, अगर कुछ हमने कहा तो हम
मैं करूँ तो अपने विजय पाए आत्मा उनके समाज मतलब विरोध ऐसे तो ये कहा लागे ये के वजह से हमें फिर निकाले लागे थाना में एप्लीकेशन डाली आपके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन डाली हाँ एप्लीकेशन डाल दी यहाँ से पुलिस ने छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर छापड़िया हॉस्पिटल बेतियाहाता गोरखपुर डॉक्टर अंकित छापड़िया डायबिटोलॉजिस्ट फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच इलाज की सुविधाएं उपलब्ध न्यूरोपैथी की जाँच रेटिनोपैथी HbA1c लिपिड प्रोफाइल थायराइड फंक्शन टेस्ट हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर छापड़िया हॉस्पिटल बेतियाहाता गोरखपुर मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर आईफोन वन प्लस सैमसंग वीवो ओप्पो रियलमी MI लावा टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध बलदेव प्लाजा गोलघर राजेंद्र नगर गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध मोबाइल नंबर 9186874190008 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर गीता वाटिका रोड गोरखपुर प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग नवजात शिशु बाल रोग विभाग हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555 आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी ICU वार्ड NICU वार्ड जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम गीता वाटिका रोड गोरखपुर आप देख रहे हैं अमेज नाउ गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक